दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे खूबसूरत पर्वतीय शहर ऊटी को प्रकृति प्रेमियों और सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। इस जगह को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है रेलवे लाइन, इसे नीलगिरी माउंटेन रेलवे या टॉय ट्रेन भी कहा जाता है। इस पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। हम भी इस ट्रेन के सफर के लिए पहुंच गए हैं ऊटी रेलवे स्टेशन पर, जिसे उदग मंडलम कहा जाता है। हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंची है। यह ट्रेन तो मेटापल्लयम तक जाएगी, लेकिन हमारी मंजिल है कुन्नूर। यह पर्वतीय पर्यटन स्थल समुद्र तल से करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ट्रेन रूट को ब्रिटिश काल में बनाया गया था। मेटापल्लयम से ऊटी के बीच इस रूट पर 258 ब्रिज हैं, और अपने पूरे सफर में यह ट्रेन पहाड़ियों और घाटियों के बीच से होकर गुजरती है। इस ट्रेन रूट को यूनेस्को ने 2005 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। यह ट्रेन अब भी कोयले के इंजन से चलती है, इसलिए यह सफर और रोमांचक हो जाता है। इसके रास्ते में आपको चाय के कई बागान और झरने भी देखने को मिलेंगे। कोयम्बटूर से सटे मेटापल्लयम से ऊटी तक का सफर 46 किलोमीटर लंबा है। चाय बागानों से घिरा कुन्नूर भी भीड़ भाड़ से बचने वाले सैलानियों में बेहद लोकप्रिय है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान और तरह तरह की वनस्पतियाँ सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इस रेलवे का काम वर्ष 1891 में शुरू हुआ था और वर्ष 1908 में पूरा हुआ। पहले इसका आखिरी स्टॉप कुन्नूर तक ही था, जिसे बाद में बढ़ाकर ऊटी तक कर दिया गया। इस रूट पर कुल 13 रेलवे स्टेशन हैं। इस रेलवे लाइन, टॉय ट्रेन और स्टेशनों पर कई देसी विदेशी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दिल से फिल्म के मशहूर छैया छैया गाने की शूटिंग भी।
और टॉय ट्रेन अब निकल पड़ी है अपनी मंजिल यानी मेटापल्लयम की ओर। यहाँ से अब सड़क के रास्ते ऊटी की ओर लौटना है।